मुझे सटल सेक्सिज्म सटल सेक्सिज्म की शायद इतना नॉर्मलाइज भी हो गया था कि कभी रियलाइजेशन भी नहीं था बट आई फील कि आफ्टर स्पेशली विमेन वर्किंग इन अ लीडरशिप पोजिशन जस्ट एक्सेप्ट इट इट्स गोइंग टू कम योर वे यू हैव टू वेज आई दर यू कैन वॉदर योर सेल्फ विद दैट और जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग फॉर रियल सो मेरे हिसाब से आपको वो दूसरी चीज़ करनी चाहिए वो आपका डिसीजन है कि कितना वो क्या इंटेंसिटी पे उस हिसाब से आई जस्ट थिंक कि आप जितना वो वो किताब ज़्यादा पढ़ेंगे या उन फीमेल्स की बातें सुनेंगे तो आपको काफ़ी एक डायरेक्शन मिलेगा आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हो इसमें hmm. ये शायद सबकी कहानी है hmm. तो आपका परस्पेक्टिव पहले तो थोड़ा नॉर्मलाइज होगा सेकेंडली जब नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस हो गया उसके बाद आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे राधर देन प्रॉब्लम मेकर बनने की जगह या फिर इवेंट uh, खुद खुद को उसको सफरिंग में बनाने की जगह तुम किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हो सिर्फ उस पर फोकस करो hmm. रणवीर शो हिंदी पर झलक रावल का स्वागत है आप हमारे मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉडकास्ट हो झलक रावल जी थैंक यू रणवीर आपने ये मौका दिया हमें यहाँ आने का और कुछ वार्तालाप करने के ओके वार्तालापिंग वोस्ट ऑफ दी हिंदी नहीं पर झलक रावल की पॉडकास्ट की शुरुआत के पहले मैं इनकी एक इंट्रोडक्शन दूंगा फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आपके खुद के करियर में ना आपको कोई ऐसे अकॉर्डिंग टू मी हर इंसान के कोई ऐसे चार पाँच लोग होते हैं जिनकी वजह से उनके खुद के करियर में पिविट्स आ जाते हैं स्टार्टअप की दुनिया में पिविट्स मतलब आपने एक चीज़ प्लान करके रखी अपनी बिज़नेस के लिए और फिर सडनली कुछ हो जाता है आप चेंज कर देते हो अपनी दिशा और उस चीज़ की वजह से आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स आप, आपकी खुद की सफलता बहुत ज़्यादा होने लगती है तो मेरे अगर पिविट्स की बात करोगे आप तो डेफिनेटली रजस थे विराज थे और फिर तीसरी एंट्री हुई मेरी लाइफ में झलक रावल की तो थैंक यू अब रहे क्यों है झलक रावल जी सेम <laughs> <laughs> मेरी लाइफ में भी आपने काफ़ी पिवट लाया है। मैं मैं पिवट हूँ <laughs> तो आ, yeah. ओके एक और स्टोरी हाँ. कहना चाहता हूँ आपकी एंट्री के बारे में मंक एंटरटेनमेंट में आई जब आप आए थे आई थिंक उसके एक हफ्ते पहले आ, मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था <imitation> कि विराज के साथ बैठकर कर यहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं टैलेंट मैनेजमेंट गारेंग एजेंसी स्टार्ट की है हम फिर एजेंसी का काम भी कर रहे हैं बहुत कन्फ्यूजन थी हमारे हमारी दुनिया में हम बेसिकली स्टार्टअप थे आई थिंक आप फोर्थ या फिफ्थ मेंबर थी राइट या फोर्थ फोर्थ हाँ मुझे याद भी नहीं अभी पर परील और आयुषी थे और और फिर फिर आप आ गई थी और आपके आने के बाद जितनी ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्टार्टअप में आ गई जिस तरह से हमने पिवट किया अलग अलग वर्टिकल्स में जिस तरह से ग्रोथ होने लगी आई थिंक आप मंक एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट हायर थी लाइक आउट ऑफ एवरी वन टिल डेट और अभी ऐसा एक मोमेंट uh, आ गया मंक एंटरटेनमेंट में जहाँ आप सी सी ओ बन गए आप बहुत सारे की डिसीजनस लेते हो आप टेन ईयर फ्यूचर ट्वेंटी ईयर फ्यूचर के लिए प्लान करते हो तो ये है मेरा पर्सपेक्टिव मुझे याद है जब अच्छा आप ही ऑडियंस uh, को कह दो कि पहली बार हमारी बात कब होती पर्सनली हाँ सो आई थिंक मैंने मेरे भाई ने आपका टेट टॉक देखा था एंड hmm. uh, मैंने कुछ इन्फ्लुस मार्केटिंग में पहले करने की कोशिश की थी hmm. तो वो देख के उसने बताया था कि आई शुड रीच आउट टू यू और एक बार आपसे बात करनी चाहिए एंड uh, सच बताओ तो मैंने जब पहले देखा तो मुझे लगा आप जहाँ पे रहते हो वो देख के आई वॉज કે કે મુજે નહીં જના બટ ફિર મુજે પતા ચલા કે આપ મેરી કોલેજ સે હો તો ધેટ વો મુજે એક કોન્ફિડન્સ આયા કે શાયદ અચ્છા બંદા હોગા કરકે સો ધેટ્સ ધ ઓન્લી રીઝન કી આઈ રીચડ આઉટ એન્ડ આઈ રીમેમ્બર ફર્સ્ટ ટાઈમ વેન આઈ કોલ્ડ યુ યુ વોર લાઈક जस्ट સ્પીક ટુ માય મેનેજર એન્ડ મે આજ ભી યહી કરતા હું પર અબી મે કહા સ્પીક ટુ ઝલક પ્લીઝ તો અબી એન્ડ ધેન આ મતલબ વિરાજ કે સાથ બાત હુઈ એન્ડ ધેન ફિર હમ લોગ મિલે ઓર વો જો स्टार्टअप्स की बात हुई आई थिंक आपको याद है वो कॉन्वर्सेशन जो हमारे पुराने ऑफिस के उस सेक्शन में एक हुई थी आई आप, थिंक आपका वो लास्ट डे था आपने एक महीने के लिए मंगटेनमेंट में काम किया हाँ, फिर मैं आपसे तब बात नहीं करता था मुझे हाँ, पता भी नहीं हाँ, था कि आप कौन हो आप बस बैठे हुए <laughs> हुए होते थे फिर आप मुझसे मिले आपने मुझे मिलकर ये समझाया कि कोई भी स्टार्टअप की ग्रोथ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हाँ। आप ऐसे ही नहीं सब सब कुछ काम कर सकते थे हाँ। और पहली बार किसी ने मुझे अलग पर्सपेक्टिव दिया था स्टार्टअप के बारे में हाँ, आई थिंक हम लोग जहाँ बाहर थे और मैंने आपको वो जो पिच दिया था वो बेसिकली दो चीज़ों का पिच था इट वाज अबाउट कि अगर आपको आगे जाना है तो इसमें दो तरीके होते हैं एक या तो आप बूथ स्ट्रैप्ड मॉडल ले सकते हो यानी कि आप खुद के पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करके वही बिज़नेस में इन्वेस्ट करके ग्रो करो और दूसरा होता है इन्वेस्टर बेस्ड मॉडल कि आप फंड को रेस करके

आई uh, आप काफ़ी कन्विंस हो गए थे जब मैंने आपको वो रोड मैप दिया था मुझे याद है आप सैलड खा रहे थे और ये भी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो होने वाला था आपकी लाइफ में हाँ सो so, अरे एक्चुअली मुझे पूरी बैक स्टोरी भी देनी चाहिए कि कहाँ से शुरुआत hmm. हुई uh, पर वो देने से पहले टू आंसर योर क्वेश्चन एक्चुअली मैंने एक ए आई कोर्स के लिए अप्लाई किया था और मुझे एक्चुअली घर से निकल जाना था आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे होम तो इसलिए मैंने कोई साउथ में कोई ये फर्स्ट टाइम वो लोग ने ओपन किया है वो कोर्स और मैं उनकी फर्स्ट बैच मेंबर थी वन ऑफ द मेंबर्स मैं काफ़ी नॉन टेक बैकग्राउंड से थी बट मुझे सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया था बेस्ड ऑन माय लॉजिकल स्किल सेट एक्चुअली सो टेक एग्जाम में उनकी फ़ेल हुई थी बट बेज ऑन द लॉजिकल एंड द अदर स्किल सेट में की वजह से आई गॉट द स्कॉलरशिप वहाँ पर एंड आई वॉज गोइंग टू गो देयर इन अ वीक्स टाइम और मैंने इनको बोला कि आप मुझे क्लैरिटी दे दो कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है <laughs> कि अगर बढ़ना है तो no <laughs> <प्लीज>, आई <आप कल laughs> से नो देर एंड आई रिमेम्बर यू वर ऑन बोर्ड इट फिर हाँ and उस पर मैं मुंबई में हूँ मैं नहीं जा रही हूँ घर छोड़ के योर वेलकम अंकल मम्मी वॉज लाइक नहीं करना मतलब कुछ पढ़ना नहीं है वैसा आता मम्मीए क्यों नहीं किया एम बी ए क्यों नहीं किया <laughs> हाँ, exactly. तो पर मैं एक्चुअली बैक स्टोरी दे सकती हूँ कि क्या हुआ था एक्जैक्टली exactly? हाँ, आपकी लाइफ में आपने स्टार्टअप्स के बारे में इतना कैसे पढ़ा है क्योंकि अभी भी मतलब अभी दो ढाई साल हो गए हैं आई थिंक और तब से लेकर आज तक भी आप आपका लर्निंग प्रोसेस ऑन है आप हमेशा मुझे इतना सिखाते हो हमारे जितने भी स्टार्टअप पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस है इसी चैनल पे हिंदी चैनल पे मैंने इतना कुछ कंटेंट उन उन वीडियोस का कंटेंट आपसे डायरेक्टली छीन के बनाया है और मेरी मम्मी मुझे वही वीडियोस भेजती है और बताती है कुछ सीख रणवीर से इट्स अ नाइस जोन टू बी एन ये है YouTube की एक देन बट बताओ खुद के बारे में बताओ झलक जी ओके सो आई थिंक हुआ ये था कि मैं ना इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने कभी फुल ऑन फोकस पढ़ाई पे नहीं किया था मैं हमेशा साइड में कुछ ना कुछ करती रहती थी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर सो थर्ड ईयर में बेसिकली क्या हुआ था कि uh, मैं ऑलरेडी कॉलेज फेस्ट में पार्ट लेती थी ब्रांड्स के साथ काम करती थी तो मुझे लगा कि यूट्यूबर्स uh, के साथ अगर हम कुछ कोलैबोरेशन करें तो ये काफ़ी कूल आइडिया हो जाएगा hmm. मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं बट hmm. uh, मुझे वो कॉन्सेप्ट कूल cool लगा था तो आई वांटेड टू ट्राई इट आउट तो उस वक्त मैंने एक YouTube चैनल बनाई थी खुद की जिसका आइडिया एक्चुअली बहुत सिमिलर था कि मैं जो इन्फ्लुएंसर्स है उनसे बातचीत करूंगी उनसे दोस्ती बढ़ाऊंगी और फिर उन्हें पिच करूंगी में पॉडकास्ट स्टार्ट करना था बेसिकली या yeah. <laughs> 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 तो आ, और मेरा वो बिजनेस मॉडल था क्योंकि मुझे था कि कोई इन्फ्लुएंसर मेरे साथ क्यों बात करेगा hmm. तो मेरा था कि मैं इंटरव्यू के नाम से उनसे उनसे जान पहचान कर लूँगी और उस हिसाब से उनके लिए फिर बिजनेस भी लेके आऊँगी hmm. पर मैंने कुछ एक दो पॉडकास्ट किए बट वो सारे बहुत छोटे इन्फ्लुएंसर थे जिनकी कोई कहानी नहीं थी hmm. और ऑनेस्टली दिस लाइक पॉडकास्टिंग टेक्स लॉर्ड ऑफ स्किल सेट मतलब आप भी होस्ट हो तो आपको पता है कि कॉन्वर्जेसन कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है तो वो एक्चुअल में लोगों को ईजी लगता है बट वो ईजी नहीं होता टू यू नो मेक द कॉन्वर्जेसन मतलब इंटरेस्टिंग तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी और ये काफ़ी बोरिंग चीज़ है <laughs> <laughs> प्लस दूसरी दूसरा इशू ये था मतलब थोड़ी देर के बाद भी वो होता था कि और क्या मतलब और क्या बात करें क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ ज़्यादा था नहीं बात करने के लिए ऊपर से जस्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ आई सम समडी वीडियोज़ ऑफ very weird things like of your life <laughs> I wish I could do that I didn't have utna guts uh, but I I used to always do I always had a humorous side which mm. made as if

एक्चुअल में एक मिनट पॉज करो मुझे ऑडियंस को एक बात बतानी है कि जस्ट ट्रैक झलक से करियो फॉर टेन यस और दस साल बाद जहां इनका करियर पहुंचेगा ना तब देखिए और तब ये चीज याद रखिए कि वहां तक पहुंचने के लिए ये बिजनेस की ऑब्सेशन रहनी चाहिए एंड आई जेन्यू बिलीव कि आप बिजनेस वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचने वाले हो दस साल के अंदर you. वो आई कैन आई कैन लाइक वाउच वो हाँ पूरी मंकी की टीम इंडिविजुअली पहुंचेगी आप इन मेनी वेज हमारी खलीसी हो गेम <laughs> <laughs> मतलब की एक कैरेक्टर है खलीसी आप हमारे ऑफिस <laughs> की खलीसी हो जहाँ आप कहते हो कि अच्छा टीम अभी यहाँ जान जाए हम वहाँ जाते हैं थैंक uh, यू करने के लिए बट <laughs> सो uh, uh, so, वो साल पर क्या स्पेसिफिक हुआ था कि जब मैंने ये नई न्या, चीज़ की कुछ भी तुम नया शुरुआत करते हो तो मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बताया था एंड uh, किसी किसी को पता चल गया उसने सबको बताया एंड uh, उसके बारे में काफ़ी मजाक होने लगा था hmm. तो इसलिए मैंने ओवरनाइट सारे वीडियोस डिलीट कर दिए काफ़ी कुछ हुआ बट वो टीजिंग लेवल मुझे इतना अफेक्ट होने लगा था कि एक दिन मैं घर जाके रोने लगी एंड आई सेड कि मुझे अभी कॉलेज छोड़ देना है मैं सिर्फ एग्ज़ाम दे दूंगी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लूँगी बट uh, मैं अभी मेरे दोस्तों को नहीं फेस कर सकती इश्यू ये था कि सिर्फ मेरे क्लास वाले नहीं थे देर वर अदर डिपार्टमेंट पीपल ऑल्सो बट उससे भी ज्यादा इट वेंट टू मेरे बहुत पुराने ग्रुप्स मेरे क्लासेस के ग्रुप एंड मेरे हॉलीडे ग्रुप्स एवरीवेयर इट वीवेर लाइक अ वाइल्ड फायर तो आई मीन मतलब ऐसे मजा द थिंग इज मैं स्कूल टाइम से ही हमेशा आइदर आई वॉज अ कैप्टन और मॉनिटर सो आई वॉज इन अ वेरी सीरियस रोल फॉर मेनी पीपल मतलब फॉर द मासेज सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे सॉ लाइक अ वेरी ह्यूमरस साइड सो पीपल डोंट नो एक्सेप्ट इट एंड इवन आई डेंट वॉन्ट टू एक्सेप्टवेयर बट मेरी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हें जाना है कल कॉलेज एंड यू विल हैव टू फेस इट एंड एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी सो आई वेंट नेक्स्ट डे एंड द गर्ल हु वॉज स्पीकिंग द मोस्ट आई जस्ट यू नो टॉक्ड इट आउट विथ हर एंड उसके बाद आई थिंक मंकी में एक साल के बाद वो लड़के ने मुझे कॉल किया था जॉब के लिए नहीं मुझे hmm. बताने के लिए मैं मेरे पास इतने पैसे हैं मुझे इन्वेस्ट करना है तुम में <laughs> <laughs> तो आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट लेंगे मेरे बोला नहीं हम नहीं ले रहे हैं, हम बूथ स्ट्रैप्ड है बट थैंक यू सो मच एंड नाउ हम लोग अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं सो so, इससे मुझे दो चीज़ सीखने मिली एक तुम जब भी कुछ नए शुरुआत करोगे लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले हैं दो मैटर वॉट वो क्रिटिसिजम से खुद को मत रोकना लाइक एंड सेकेंड कि अगर तुम्हारे कोई दोस्त है जिसके साथ Uh, कुछ हो गया और वो उतना अच्छा नहीं है तो वो ग्रज को होल्ड मत करना क्योंकि वक्त के साथ वो उन लोग के ओपिनियन भी चेंज हो गए एंड वो वापस तुम्हें वो रिस्पेक्ट या वो लव देने लगेगे वंस यू प्रूव योर सेल्फ सो डोंट होल्ड ऑन टू योर पास्ट एंड सेकेंडली जस्ट डोंट टेक क्रिटिसिजम सीरियसली पर मंक को आपने कैसे टारगेट किया ये ये बहुत <laughs> देखो मैं एक एक और चीज़ मानता हूँ कि अगर आप खुद और मैं खुद की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली पर आप खुद मेहनत में लगे रहोगे और एट द सेम टाइम आप आपकी ओवरऑल वाइब अगर आपने पॉजिटिव रखी तो सामने से द राइट पीपल विल एंटर योर लाइफ जो जिन इंसानों को आपके साथ डेफिनेटली काम करना है उनके लाइफ में वो सामने से आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आपकी बहुत मदद करने लगेंगे यूजली जब मैं हमारे की टीम मेंबर्स के बारे में बात करता हूँ आई ऑलवेज फील क्यू ऐसे ही आ गए सडनली पता नहीं कहाँ से आ गए जो इंसान ये रिकॉर्ड करे गिरीश उनकी भी कहानी कुछ ऐसी है एक दिन वो हमारे ऑफिस में बैठे थे क्योंकि उन्होंने कोई लिस्टिंग देखी थी और अभी हमारे एक बहुत की मेम्बर आपकी भी स्टोरी सेम है एक दिन आप बस आ गए हमारे ऑफिस में और हाँ। बहुत कुछ करने लगे तो आपकी तरफ से वो स्टोरी क्या है आई थिंक सो मेरी तरफ से स्टोरी क्या है कि यार मुझे ना पहले से बिजनेस तो करना ही था ऐसा था कि मतलब मेरा तो ऐसा प्लान था कि मास्टर्स के बाद पीएचडी के बाद एमबीए के बाद भी मैं तो बिजनेस ही करने वाली हूँ वैसा था तो समवेयर वो आई थिंक मैनिफेस्टेशन ये साइड से भी शायद था प्लस uh, मैंने ये अटैम्प्ट किया था कुछ इन्फ्लुंसा मार्केटिंग में ही पहले करना तो वो भी था साथ में बट uh, उससे भी ज़्यादा आई थिंक इट जस्ट वर्कड आउट वॉज बिकॉज आई फील कि वो टाइमिंग एंड वो समटाइम्स इट जस्ट मैंट टू बी मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी डेस्टिनी प्लेज अ रोल hmm.

आई वुड से पहले 20 ऑलमोस्ट पांच और भी ज्यादा जरूरी होते हैं बर... हाँ बट 20 तो इंपॉर्टेंट है ही चलो पर जो पहले पांच होते हैं उनका कभी पूछने का नहीं कि आप क्या काम करते हो क्योंकि उनके रोल्स एवरी आ, फेस के साथ बहुत चेंज होते जाते हैं तो जैसे कि मैंने मंकी में जब शुरुआत की तो पहले तो मुझे वो पुरानी ऑफिस में ऐसा लगता था कि वो पागलखाना है <laughs> क्योंकि वो गैराज था बेसिकली <laughs> हां क्योंकि मैं जब पहली बार आई तो बाहर दो नर्स थे तो मुझे लगा कि यहाँ पे नर्स बाहर की हुआ है मतलब <laughs> और मैंने बोला कि रणवीर तो उन्होंने बोला यहाँ रहते हैं मैंने बोला नहीं वो यूट्यूबर है वो बोलते हैं यहाँ रहते हैं मुझे लगा ये कुछ गलत एड्रेस है बट नहीं वो सही एड्रेस था <laughs> और स्टार्टिंग में मैं जब काम कर रही थी तभी विराज इतना बात नहीं करता था तो वो ना मतलब वो बात करता था बट वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करता था विद आउट विथ लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन

हाँ का, का, मतलब का, तभी हमने स्टार्ट किया था धीरे धीरे एक्सपांड करना तो स्टार्टिंग में मैं जब थी तभी काफ़ी टैलेंट मैनेजमेंट फ्रंट पे देखती थी uh, उसके बाद बिजनेस uh, फ्रंट पे होने लगा ब्रांड के साथ होने लगा फिर बड़े कैंपेन्स होने लगे उसके बाद ब्रांड्स uh, का था तो वही एस्पेक्ट को न, मतलब कीपिंग इन माइंड सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ वहाँ से पुश मिला टूवर्ड्स डिजिटल एड्स और और उस हिसाब से और वो फर्स्ट डिजिटल एड लिखना और वो सब शुरुआत और फिर वीडियो प्रोडक्शन आया सो hmm. so ये तो पूरा लाइक वाज द रोल साथ में एचआर वाज द थिंग जो एचआर समझा दो क्या होता है पहले ह्यूमन रिसोर्स इज समथिंग मतलब हायरिंग होता है जो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक स्टार्टअप में हायरिंग तो और मेंटेनेंस लीडरशिप भी मतलब हाँ. ये देखना कि लोग खुश हैं कि नहीं लोग एंथुजियास्टिक है कि नहीं ये सब <laughs> वो आई थिंक वो आप मेरे से बेटर करते हो <laughs> uh, मैं तो मैं तो सिर्फ हायरिंग करती हूँ और ये देखती हूँ कि काम हुआ कि नहीं बट एच आर का रोल में काफ़ी टाइम तक लास्ट में मंथ तक भी करती थी अभी तो मैं सिर्फ फाइनल कॉल लेती हूँ कि इन या आउट अ, वरना काफ़ी कुछ अभी तो टीम भी काफ़ी केपेबल है करने के लिए hmm. uh, बट फिर भी कुछ की पोजिशंस में मैं ही लुक करती हूँ नहीं और आ, आप आगे जाकर बहुत कुछ टेक ऑनटरप्रनोरशिप में अपना हाथ डाल रहे हैं आप कोशिश कोशिश आप कर रहे हैं एंजल इन्वेस्टिंग के प्लान कर रहे हो आ, सोच रहे हैं जो भी हमारे मंगी के बड़े फ्यूचर वाले प्लान्स है वो आपके थ्रू हो रहे हैं आई फील कि इस इस जर्नी के दौरान मैंने भी आपकी ग्रोथ देखी है आप आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो गए हो मतलब आप में ज्यादा वीरता है अभी कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू 2018 थाउजेंड आप तभी वो डर डर के काम करते थे तो वो क्यों हुआ बिकॉज uh, मैंने हर साल ना खुद को आई यूज टू कीप मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी बट मैं सब में एक्चुअली मंकी वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैंने फुल हंड्रेड परसेंट किया टू बी ऑनेस्ट मेरा सो so मेरा सो so, क्या हुआ था कि uh, मुझे स्टार्टिंग में लगने लगा कि मैं मुझे बहुत और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और मुझे बिना एम के सीखना था मुझे जल्दी सीखना था और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कुछ सीखना है ना तो आप कूद जाइए उस चीज़ को सीखने में और आपको स्टार्टअप्स के बारे में सीखना था तुम तो? हाँ बिजनेस के बारे में तो आ, मैं हर साल कुछ ना कुछ करती रहती थी मतलब मैंने कभी भी एक भी सेमेस्टर कुछ साइड में साइड बाय कुछ किया ना हो वैसा गया नहीं साइड हसल साइड हसल तो मेरा चलते रहता था hmm. मुझे केटी भी लगी थी और पापा ने ना भी बोल दिया था बट तो कुछ ना कुछ चलते रहता था hmm. तो आ, तभी एंड ईयर में फोर्थ ईयर में मैंने डिसाइड किया था तो थर्ड ईयर में क्या हुआ था एक्चुअली मैं मास्टर्स करने वाली थी और थर्ड ईयर में आ, मैं लेवरपुल यूनिवर्सिटी गई फॉर इंटर्नशिप एंड वहाँ जाके मेरी मॉम को ऐसा लगा था कि मैं ऐसे इंटर्नशिप करके आऊँगी तो खुश हो जाऊंगी कि अरे यू के एंड ऑल दैट एंड मैं मास्टर्स के लिए हाँ बोल दूंगी बट उसके बाद आने के बाद आई वॉज श्योर कि मुझे मास्टर्स नहीं करना है तो मैं एम के क्लासेस किए थे कैट के

के देख देखोगे yeah. तो एक्चुअली वो आपकी ब्रेन के पावर को टेस्ट करता है

Por uh, MBA. Hmm.

दैट्स सो ट्रू अगर आप सॉरी बट हाँ, आप आप मुझे पर्सपेक्टिव दोगे ये हाँ। अकॉर्डिंग सिक्योरिटी नहीं होती क्योंकि आपका बेस पैकेज एमबीए के बाद ठीक रहेगा ओके रहेगा पर आप एक अर्बन मेट्रो में रहकर एक लैविश लाइफस्टाइल नहीं जी पाओगे उस उस स्टार्टिंग पैकेज के साथ मेरा मेरा एक्चुअली एम का अंडरस्टैंडिंग पैकेज के रिलेटेड नहीं था इट वॉजन कि उसमें क्या अर्न मीनिंग मिलेगा या नहीं मुझे सिर्फ ये था कि मुझे श्योर नहीं है एम बी में कि मैं फाइनेंस करूँ मार्केटिंग करूँ कि मुझे क्या पसंद है hmm. तो इसलिए मुझे था कि मैं टेस्ट आउट कर लूँ और फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है सो uh, so मेरा वैसा ही है कि क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर लिया था बायोमेट मस्ती में hmm. कि हाँ ठीक है मतलब बट दिस टाइम मुझे काफ़ी क्लैरिटी के साथ जाना है आपको था. पता कि कोविड का वैक्सीन कब आने वाला है बायोमेडिकल इंजीनियर

आई थिंक इट्स एसेलर रेटर क्या होता है कि तुम्हारा ऑलरेडी स्टार्टअप एग्जिस्ट करता है तुम्हें वो क्विक नेटवर्क हेल्प करते हैं जबकि इंक्यूबेटर आपको काफी हैंड होल्ड करते हैं मतलब जब आपका बस एक आइडिया होगा आपके स्टार्टअप का इनक्यूबेटर आपको कहेगा कि अभी ऐसे सोचो एंड यूजुअली सोच। कोई इंस्टीट्यूशन के साथ होते हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस के साथ होते हैं एसेलर hmm. काफी प्राइवेट होते हैं एंड hmm. वो वो काफी क्रंच टाइम में होता है तो वो इंक्यूबेटर में क्या हुआ कि हम लोग के मेंटर थे ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे

किसी की ग्रोथ बहुत लोग की ग्रोथ तब स्टॉप हो जाते हैं जब वो अपने काम से सिंसेरिटी निकाल देते हैं सिंसेरिटी को आप हिंदी में समझाओगे मतलब सिंसियरिटी ये होती है कि यार वो तुम्हारे काम के लिए तुम्हें जो सीरियसनेस है तुम उसे मजाक में नहीं लेते वो वो चीज़ को नो मैटर ऑर्थ इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे टाइम स्ट्रेट फेस बनके बिना जोक किए hmm. वो काम करो बट तुम वो चीज़ को काफ़ी रिस्पेक्टफुली करते हो सब मोस्ट जॉब इंटरव्यूज में एक्चुअली हाँ. वो एम्प्लॉयर्स सिंसेरिटी को देखते हैं देखते हैं कि ये इंसान सिंसियर है कि नहीं फिर उसके बाद शायद टेक्निकल स्किल्स को देखेंगे हाँ क्योंकि अगर आप सिंसियर हो तो समवेयर आप उस वो चीज़ को सीख सकते हो हाँ तो आप कह रही वो इंक्यूबेटर के बारे में बात कर रहे थे हाँ तो वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था बट मैंने वो वही इंटेंशन से शुरुआत की थी कि मुझे ये फाइनल मेरा प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें सीख लेनी हायर एडुकेशन था हाँ, था था, हाँ वो वो मेरे लिए मेरा एम बी ए था hmm. आ, मेरे अंडरस्टैंडिंग में लोगों को मतलब लोगों से कुछ लेना देना नहीं था वो आ, फिर उसके बाद मैंने बोला मुझे ये साइड का समझ गया मुझे अभी दूसरी साइड की जाने की जरूरत है इसलिए मैंने फिर एसेलरेटर में अप्लाई किया जहाँ पे इन्वेस्टर जो पैसे देते हैं स्टार्टअप्स को hmm. तो वहाँ पे वो एसेलरेटर में काफ़ी चीजें नहीं हो रही थी तो इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था मुझे पर्सनली बट एक्सपोजर काफी मिला टू यू नो विद राइट पीपल एंड कौन से हाँ कि हाँ उससे भी ज्यादा कि इन्वेस्टर क्या देखते हैं और मुझे तो काफ़ी डिस्कनेक्ट लगा टू बी ऑनेस्ट कि काफ़ी चीज़ें कॉमन सेंस के बेसिस पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बट वो मेरा प्रस्पेक्टिव था वो काफ़ी एक फ्रेशर प्रस्पेक्टिव एक था। आप आप ये आ, फेज को आप थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो कि ये एक्सेलरेटर में क्या हुआ और ऑनेस्टली इन, इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं स्टार्टअप्स में तो मैं जो एक्सेलरेटर में थी वो एक फिनटेक uh, एक्सेलरेटर था मतलब, fin, वो <laughs> मतलब वो सिर्फ फिनटेक समझाइए अभी मतलब वो सिर्फ फाइनेंस डोमेन का स्टार्टअप था स्टार्टअप जो फाइनेंस डोमेन में ही रहते हैं उसमें काफ़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी आ, लोग या तो पी टू पी लैंडिंग करते थे पर्सन टू पर्सन इंसान टू इंसान लैंडिंग करते थे या फिर आ, आ, मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ें थी बहुत उतना इनोवेशन नहीं था वो बेसिक लेवल के फिनटेक आइडियाज आते थे ऐसा मुझे लगता था बट uh, लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं हम ऐसा नहीं कह सकते कुछ सेक्टर बेस्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट कुछ लोकेशन बेस्ड होते हैं जैसे कि ये वाला एसला लोकेशन बेस्ड था वो फिनटेक इसलिए था क्योंकि ये मुंबई फोकस्ड है अगर वो जैसे उनका दुबई का जो ब्रांच था वो स्मार्ट सिटी फोकस्ड था तो वैसा था सो so, वहाँ पे मैंने आठ महीने कुछ काम किए फिर वहाँ से निकल के उनकी दुबई ब्रांच में भी काम किया था बट वो वो काम के बाद मुझे ऐसा था कि अभी मुझे कुछ ऐसा करना है कि जहाँ पे मैं इतनी टायर्ड फील करूँ दैट आई स्लीप बिकॉज ऑफ टायर्डनेस वैसा था एंड मंकी वॉज द थिंग कि यार अब तक मुझे फील होने लगा कि मुझे काफ़ी कुछ तो नॉलेज आ गया है ऐसा मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है तो मंकी वॉज द ऑपरचुनिटी जिसपे मुझे हंड्रेड परसेंट पहली बार जम्प करना था hmm. तो जब वो हमारा मतलब फाइनलाइज हुआ कि वी वॉन्ट मूव फॉरवर्ड मैंने मेरे जितने भी वर्क ईमेल आईडीज थे या जितने भी मुझे वर्क uh, रिलेटेड जितने भी कन्फर्मेशन ऑफर जो भी था मैंने सब डिलीट कर दिया तो मेरे लिए दिस वॉज जस्ट द ओनली वे टू को देर वॉज़ नो अदर वे मैंने मेरे प्लान भी सारे हटा दिए बिकॉज मेरा मानना है कि आप अगर प्लान ए को हंड्रेड परसेंट नहीं दोगे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि आपने कभी उसको वो uh, उतना डेडिकेशन दिया ही नहीं hmm. जिसकी उसको ज़रूरत थी डेफिनेटली hmm. ये मेरी साइड की स्टोरी है पर आपने क्या देखा था टू मूव फॉरवर्ड की हाँ ये इसके साथ काम करना चाहिए आई फील की सिंस डे वन मतलब मंकी की शुरुआत होने से पहले मेरी ये बिलीव थी कि हर आ, हर कंपनी के कोर में देर शुड बी अ मिक्स ऑफ मैन एंड वेमेन ये डेफिनेटली मेरी बिलीव थी पहले से क्योंकि आई फील कि मैन एंड वेमेन के जो स्ट्रेंथ्स होते हैं वो अलग होते हैं और थाट प्रोसेस वो भी अलग होते हैं और फाइनली जो आपका स्टार्टअप का प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा एक कॉम्बिनेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए uh, जैसे कि जब आपने ज्वाइन किया आपने एक्चुअली हमारा लोगो भी बदल दिया लोगों की फील बदल दी बहुत कुछ चीज़ें बदल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स बदल दिए यहाँ बेसिकली लॉन्डो की एक फ़ौज होती थी <laughs> आपने वो वाइब चेंज कर दी पूरी आपने अपने एकदम प्रोफेशनल वाइब आप लाने लगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन uh, में बट uh, आपके आने से पहले हमने और बहुत सारे लोगों के साथ, साथ ट्राई किया था एक्सपैंड करना उनके साथ बात नहीं जमी थी बिकॉज आई फील कि देखो Uh, जैसे हर uh, इंसान के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं उसी तरह मेन के भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं और वुमेन के भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं और इसलिए एंड कीपिंग ऑल दिस इन माइंड आई फील कि मोस्ट आई डोंट नो वेदर इंडियन वेमेन है या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सीन है बट बहुत सारी जो uh, और, औरतें होती हैं वो उनकी सेल्फ बिलीव थोड़ी कम होती है मुझे पता नहीं क्यों हाँ। और उस चीज़ की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते करेक्ट आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताए तो बीच में as, as compared to men. I feel कि जो होता है, उनकी बहुत हाँ होती। और मैं आपको बताऊँगी क्यूली शेरल सैंडबर्ग की ये बुक है लीन uh, इन करके बिच इज आई थिंक सारी महिलाओं को वो किताब पढ़नी चाहिए स्पेशली वर्किंग शेरल सैंडबर्ग को ये समझा दीजिए uh, वो अभी सी ओ है फेसबुक की वो पहले एक्स गूगल में भी काम करती थी एंड वो नाइन्टीज के जमाने में ए uh, आई में मास्टर्स किया हुआ है तो वो काफ़ी टेक टेक ऐसी जगह है जहाँ जो काफ़ी मेल डोमिनेटेड है लाइक like फिन जैसा इन अ वे और वहाँ पे जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्होंने काफ़ी इश्यूज के बारे में बात किया सम वॉट सेक्सिज्म ऑल्सो एंड सम वॉट द वे फीमेल लुक एट देम सेल्फ वो लोग जिस तरह से खुद को परसीव करते हैं तो उनकी ये जो किताब है ये आई थिंक हर लड़के और लड़की को पढ़नी चाहिए लड़के जो हायरिंग या स्टार्टअप बैकग्राउंड में होने वाले क्योंकि आपको भी ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप जो महिलाओं को रिक्रूट hmm. करें उनकी मेंटालिटी क्या है hmm. और मोर देन दैट आप अगर उनके साथ काम कर रहे हो तो आ, आपको उनकी मेंटालिटी के बारे में जानना बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एग्जैक्टली exactly. तो आ, और मैं थोड़ा एक्चुअली सेक्सिज्म के इशू को को भी टच करना चाहूँगी मुझे लगता है सो इन दैट बुक वो काफ़ी अच्छे से बताती है कि जो महिलाएँ हैं वो ख़ुद की सक्सेस को कैसे देखते हैं वो जब सक्सेसफुल होते हैं वो बोलेंगे कि मैं यहाँ पे इस तरह इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास शायद ये लोग थे सपोर्ट करने के लिए या इन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया महिलाएं हमेशा खुद को उस तरीके से देखती है एंड ये वो सक्सेस्ड व्यू नहीं दे रही वो डेटा बेस्ड शीज़ से इंग इट जबकि लड़कों को पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि यार ये सक्सेस है क्योंकि मैंने काम किया मैंने वो क्या वो मैंने कॉन्टैक्ट दिया था ना मैंने hmm. तो बात की थी इसलिए hmm. हुआ जबकि जब फेलियर जब होता है तो लड़कियाँ देखते हैं ये सब मेरी वजह से ही है मैंने शायद यू नो सिंसियरिटी कम थी डिसिप्लिन कम था मुझे ज़्यादा अटेंशन देना था मैंने फैमिली पे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया था कुछ ना कुछ ऐसी बातें होते हैं जबकि अगर कुछ फेल लड़कों के लिए है वो बोलते कि हाँ मतलब वो ब्रांड कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो स्टेज उनका नहीं है वो लोग हमेशा दूसरों की गलती में देखेंगे अपने बात को लेकर शोर रहते हैं हाँ मतलब मेल का परस्पेक्टिव ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इज़ वेरी ऑपोजिट टू फीमेल एंड इट्स जस्ट फनी द वे इट इज़ सो शी एक्सप्लेन्स की क्योंकि ये एंड वो बुक मेरे साथ काफ़ी हुई थी बिकॉज समवेयर uh, मैं भी उस तरह से चीज़ों को देखती थी uh, इसलिए मेरे लिए वो बुक काफ़ी इम्पैक्टफुल रही है आई uh, थिंक सारी महिलाओं को वो देखना चाहिए रिगार्डिंग सेक्सिज्म सेक्सिज्म के इशू काफ़ी पैरामीटर पे रेंज होते हैं कुछ होते हैं सटल सेक्सिज्म इश्यूज जो होने नहीं चाहिए बट होते हैं और दूसरे होते काफ़ी एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम है उसको हाँ तुम्हें जैसे रेप या कुछ हैरसमेंट तो उसको तुम्हें राइट सिस्टम में डाल के उस पर वर्क करना जरूरी है बट काफ़ी जो सटल सेक्सिज्म के इशू है उसको मिसयूज़ किया जाता है मुझे लगता है उसको यू नो फियर लेड बनाने की कोशिश की जाती है राधर देन सल्यूशन लेड आप आप इस चीज़ पर एक्सपैंड कर सकते हैं श्योर sure, मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ दो लोग हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेक्सिज्म लड़के ही लड़की पे करते हैं दो लड़कियाँ भी हो सकती है एक लड़की ने बहुत अच्छा खाना बनाया और दूसरे उसके घर पे दोस्त थे दूसरी लड़की आई और उसने बताया कि अरे ये कितना अच्छा खाना है तु, तुझे तो शादी कर लेनी चाहिए वो रिप्लाई करती है कि या फिर मैं अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ तो वो बोलते श्योर वो तो पक्का करना चाहिए अभी यहाँ पर क्या हुआ कि उसने वो सेकसिज्ञ, सटल सेक्सिज्म था कि अगर अच्छा खाना बनाती है तो, तो मतलब तुम्हें शादी हाँ, हो करनी चाहिए बट उसने उसको क्या किया उसने एक अच्छा रिप्लाई देके एक पैराडाइम शिफ्ट लाया फॉर दिस पर्सन देखो हमें ये समझना ज़रूरी है हम एक पेट्रैकल सोसाइटी में है सेक्सिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सोसाइटी समझा दो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मर्दों मर्द ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए hmm. uh, लड़कियों को वो डिसीजन मेकिंग पावर कम है वो अपॉर्चुनिटी कम है तो बेसिकली अभी यहाँ पे उ, उसने क्या किया उसने क्लियरली बताया कि तुम कैसे इस चीज़ को दूसरे तरीके से देख सकते हो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेम सिचुएशन में इसने वापस बोला कि आपने अच्छा खाना बनाया आप शादी कर लो वो कुछ बोली नहीं गुस्सा होकर चली गई तो क्या हो गया अभी ये पैराडाइम शिफ्ट जो ये पर्सन में आ सकता था वो नहीं आया hmm. क्योंकि इसने अभी इसको ये जाके अपने दोस्तों को बताती है और फियर लेट चीज़ें बनाती है कि ओ दिस पर्सन इज सेक्सिस्ट एंड ऑल रादर देन बींग सल्यूशन ओरियंटेड

नॉट रियली आई मीन सेक्सिज्म का सामना नहीं बट मै सटल सेक्सिज्म आई फील इंडियन सोसाइटी में काफ़ी फैसेट में इंक्लूड होता है uh, और ये मुझे एक्चुअली जब वो सिचुएशन से भी निकालने वाले काफ़ी गाय फ्रेंड्स ही थे टू बी वेरी ऑनेस्ट तो आई वुडेंट से कि नहीं लड़कियों पर ही अत्याचार हो रहा है एंड ऑल दैट लड़कों पे भी हो रहा है एंड hmm. uh, ये चीजें हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम इसे कम्युनिकेटिव बनाए रान फीयर लेड क्योंकि फियर से क्या होता है विस्पर पॉकेट्स बनते हैं और विल इवेंचुअली लीड टू जस्ट कल्ट थिंकिंग चैम्बर्सर देन सोल्यूशन सो इसको जितना कम्युनिकेटिव ओपनली बनाओ इट इट्स बेटर और अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि आप कोई इंस्पिरेशनल इंडियन वुमेन को नेम कर सकते हो जिन्हें देखकर आपको लगता है डेफिनेटली जो भी मैंने सीखा मैं वहाँ तक तो डेफिनेटली पहुँच सकती हूँ आई तो फील गो अहेड ऑफ पीपल बट आपके आइडल्स कौन है यार मेरे आइडल्स और, और उनके एक उनसे क्या आपने सीखा है वो भी एक चीज़ बता दो हर आइडल से मेरे एक आइडल नहीं है मेरे बहुत सारे आइडल है मेरे फेजेस चेंज होते रहते हैं वन ऑफ़ द पर्सन मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ वो है अर्लिन डर करके शी इज एन इन्वेस्टर इन ड्रैगन्स डेन आपको वो शो पता है शार्क टैंक का ओरिजिनल hmm. है वो जो अभी इंडिया में सब लोग जो शार्क टैंक की बात करते हैं उस वो एक्चुअली शार्क टैंक इज़ इंस्पायर्ड बाय ड्रैगन्स नैन जो आ, उस कनेडियन इन्वेस्टर है वो शो पे एंड आई फील कि शी वाज मतलब उनका डिवोर्स हो गया था उनको कुछ बैकग्राउंड नहीं था इन्वेस्टमेंट में आ, मुझे उनकी दो चीज़ अच्छी लगती एक वो इन्वेस्टमेंट पेट्रियाटिक शी इज़ वेरी पेट्रॉटिक तो वो कैनेडा फर्स्ट करके करती है एंड दूसरा शी इज़ शी इज़ इवन इमोशनली इंक्लाइंड टूवर्द्स वॉट शी इज़ इन्वेस्टिंग इन टू शी इज़ नॉट जस्ट वेरी मनी माइंडेड इट्स नॉट वेट ट्रांजेक्शन देर इज सम इमोशनल अटैचमेंट सो मुझे लगता है कि यार तुम इमोशनलेस बिजनेस नहीं कर सकते थोड़ा बहुत वो अटैचमेंट hmm. जरूरी है उसको लाइफ ड्राइविंग फोर्स चाहिए रहता है मोटिवेशन चाहिए हाँ लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको इमोशन की ज़रूरत है आप प्रिटेंड कर सकते हो hmm. कि आपको इमोशन नहीं है बट वो चीज़ आपको ड्राइव नहीं करेगी लॉन्ग रन के लिए फिर उसके बाद और कोई दो, दो दे दो। आ, तो इंडियन में से किरण मजूदार शॉ कि उन्होंने 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 वो, वो, वो बायकॉन की शुरुआत की थी जो काफ़ी फार्मेसी में काफ़ी टॉप मोस्ट कंपनी है एंड उनसे मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आ, शी वाज मतलब वो इंटरेस्टेड थी ब्रूइंग इंडस्ट्री में एंड उन्होंने बस उनको जो इंटरेस्ट था वो ही फॉलो किया एंड देन शी टुक अप केमिकल इंजीनियरिंग और फिर वहाँ से शी वेन टू फार्मास्यूटिकल तो आई थिंक शी जस्ट फॉलोड हर इंटरेस्ट सो दैट वॉट आई लाइक अबाउट हर सेकेंडली आई हैव नेवर सीन हर इन अ सेल्फ पिटी पोजिशन जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है दूसरा तीसरा कुछ एग्जाम्पल देना हो देन आई वुड से प्रियंका चोपरा फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने अगर कोई भी उनकी लाइफ में हिंडरेंस आए हमेशा वो वॉरियरिटी रहती है कि मैं इसके उस पार कैसे जा हाँ, हुआ। हुआ। और कितना आगे बढ़ सकते हैं hmm. तो ठीक है तो झलक जी मेको आपसे ये चीज पूछनी की अगर आप आ, हमारे सारे पोटेंशियलोर्स हाँ। या फीमेल कॉलेज स्टूडेंट को कुछ एडवाइस देना चाहोगी तो आप क्या दोगे उन्हें एडवाइस एक आई थिंक फीमेल कॉमन गलती जो करती है वो कभी कभी uh, वो खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करती है जैसे आपने राइटली बताया सेल्फ बिलीव कम होता हाँ एंड आई फील समवेयर वो पेरेंटिंग भी इफेक्ट करता है ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स आर बीइंग सेक्सिस्ट इज इज दैट पेरेंट्स आर लाइक यू डोंट हैव टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली सो दे एक्सपेक्ट लॉट मोर फॉर लड़कों के वहाँ से लड़कियों की जगह पे uh, पता है और इस इस चीज़ की वजह से लड़कों पर सेक्सिज्म होता है एक्चुअली हाँ, मैंने मुझे पता है काफी लड़के हैं जिनको एनजाइटी इश्यूज है और आ, जिनको वो फील होता है बिकॉज उनको कंटिन्यू स्ट्रेस है टू बी द प्रोवाइडर टू गिव द मनी दे हैव टू सपोर्ट द फैमिली तो यार मुझे लगता है कि देर इज बोथ साइड ऑफ द स्टोरी एंड कुछ एक साइड पे ज्यादा बात हो रही है देन दी अदर बट दैट डज मीन की अदर थिंग डज नॉट एग्जिस्ट बहुत so, सारे लड़कों को बचपन से कहा जाता है अगर उनके मार्क्स कम आते हैं एग्जाम में तो पहले उन्हें ये कहा जाता है कि नहीं कुछ नहीं करोगे आप मतलब लाइफ में आप फैमिली के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाओगे बहुत सारे इंडियन लड़कों के साथ तो बहुत हाँ, ज़्यादा होता है आई एम आई एम श्योर हाँ पर आई फील कि डेफिनेटली मेरी भी बहुत सारे बहन है और मैंने उनके उनकी लाइफ को बहुत पास से देखा है कि उन पर क्या फैमिली प्रेशर्स होते हैं उन पर क्या सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं तो अगर हमारे कोई मेल लिसनर्स हैं आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहोगे वमेंस पर्स्पेक्टिव से कि जब आप टीन एजर हो जब आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो एज अ गर्ल आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है देखो यार मैं सच पता ना आ, मैंने वर्क करना चालू किया था ना उससे पहले मुझे लगता था सेक्सिज्म डज नॉट एग्जिस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सटल सटल सेक्सिज्म सेक्सिज्म की Uh, शायद इतना नॉर्मलाइज भी हो गया था कि कभी रियलाइजेशन भी नहीं था बट आई फील कि आफ्टर स्पेशली विमेन वर्किंग इन अ लीडरशिप पोजिशन जस्ट एक्सेप्ट इट इट्स गोइंग टू कम योर वे यू हैव टू वेज आई दर यू कैन वॉदर योर सेल्फ विद दैट और जस्ट इग्नोर इट एंड फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग फॉर रियल सो मेरे हिसाब से आपको वो दूसरी चीज़ करनी चाहिए वो आपका डिसीजन है कि कितना वो क्या इंटेंसिटी पे उस हिसाब से um, आई जस्ट थिंक कि आप जितना वो वो किताब ज़्यादा पढ़ेंगे या उन फीमेल्स की बातें सुनेंगे तो आपको काफ़ी एक डिरेक्शन मिलेगा आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हो इसमें hmm. ये शायद सबकी कहानी है hmm. तो आपका प्रस्पेक्टिव पहले तो थोड़ा नॉर्मलाइज होगा सेकेंडली जब नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो एक्सेप्टेंस हो गया उसके बाद आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे रादर देन प्रॉब्लम मेकर बनने की जगह या फिर इवेंट खुद खुद को उसको सफरिंग में बनाने की जगह तुम किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हो सिर्फ उस पर फोकस कर और इन सारे पोटेंशियल फीमेल ऑन्टरप्रनोर्स के लिए आप इंडियन बिजनेस सीन के बारे में क्या शेयर करना चाहोगे कि कौन से कौन से सेक्टर्स अभी बूम करेंगे और मैं आपको इसलिए हाँ। ये पूछा क्योंकि आपको खबर रहती है हर सेक्टर के बारे okay, में ओके so, सो मैं बताऊँगी कि सेक्टर कोई भी बूम करे आप

और एडुकेशन भी बदल रही है मतलब हम बड़े हुए थे ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ के आपके जूम पे लेक्चर्स हो रहे हैं अभी तो हाँ जूम जूम पे लेक्चर्स हो रहे आगे आगे जाकर शायद 20 साल बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी और ट्रिग्नोमेट्री के बदले आप शायद कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग इन ऐसे सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे स्कूल में शायद क्योंकि एडुकेशन भी अभी इवॉल्व हो रही है एब्सोल्युटली और एड टेक इन अ वे क्या करता है वो यही पूरा जो एजुकेशन उन्होंने बताया शायद आप ए आर के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें स्टडी कर रहे हो तो वो भी एक एड टेक में ही पार्ट आ जाता है बट hmm. uh, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप कोई सेक्टर बेस्ड कि अरे ये सेक्टर अच्छा है तो मुझे करना चाहिए वो मत कीजिए uh, मैं खुद ऐसी बिलीवर हूँ कि अगर पूरी दुनिया को जो करना है करे अगर आपको वो चीज़ सही लगती है तो कर लो फॉर एग्जाम्पल मुझे इंजीनियरिंग uh, में लग रहा था कि मुझे इंडिया छोड़ के नहीं जाना है जबकि मेरी काफी फैमिली इंडिया के बाहर है तो मेरे सारे दोस्तों को लगा कि वो काफी स्टूपिड डिसीजन है सेम hmm, uh, मैं मैं भी इस चीज से गुजरा अच्छा hmm. uh, और uh, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को भी वही लगा मेरे काफी फैमिली मेंबर्स ही अपसेट थे कि हाँ, क्यों नहीं आ रहे हो सेम करके बट मैं सच वो, वो, वो मेरी लाइफ ही शायद बेस्ट डिसीजन थी स्टेइंग बैक सेम मैंने दो मैंने बट मेरे वाई uh, या रीजन वर वेरी डिफरेंट देन दी मेजोरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट रीजन था कि यार यू एस में ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में आएगा यू एस ऑलरेडी वो रीच लेवल पर पहुँच गया तो hmm. है तो आई कैन डू लॉट मोर इन दिस कर् रादर देन दैट अपॉर्चुनिटी यहाँ है अपॉर्चुनिटी uh, हाँ ट्रू टू सम इंडिया में काफ़ी है बट मेरे हिसाब से ये था कि मुझे मैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को चेस करना चाहती थी वो इंडिया में है आपको आप पैसों की खोज में नहीं हो आप वेल्थ की खोज में हो हु। हाँ और uh, मेरी मतलब मेरा फर्स्ट ये था सेकेंड रीजनिंग था कि मैं जब यूके जाके आई थी मुझे वो आई डेंट लाइक द वेदर <laughs> तो मेरा यहाँ पर पता है ये ये चीज़ ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग हाँ. ये यूएसए यूके जाने के क्रेज़ में लोग ये नहीं सोचते कि उनकी डे टू डे लाइफ वहाँ कैसी होगी एज़ कम्पेयर टू इंडियन लाइफ पता अतः हम इतने खुश यहाँ क्यों हैं एक तो हमारा करियर अभी काम कर गया है, पर उसके अलावा भी जब हम घर जाते हैं तो आ, घर पर हमारा हमारी फैमिली होती है एक माहौल बना होता है जैसे हमारा बचपन था इसी देश में उसी तरह हम आज भी जी रहे हैं अगर मान लो आपने बाईस साल की उम्र तक आप इंडिया में रहे हो तो आप एक लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेते हो इंडिया में रहकर वहाँ जाकर जब आपको खुद के कपड़े धोने पड़ते हैं खुद का टॉयलेट साफ़ करना पड़ता है साइड पैसे से पैसे कमाना पड़ता है अगर वहाँ जाकर वेटर बनना पड़ता है ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं फिर आंखें खुल जाती हैं लोगों की शिट ये मतलब ये लाइफ भी काफ़ी मुश्किल है मतलब वो भी एक प्रस्पेक्टिव है बट दूसरा परस्पेक्टिव ये था कि वहाँ पे आई थिंक लोग लाइफ काफ़ी अच्छे से जीते देन इंडियन एवरेज लाइफ एंड आई डू अग्री अगर आपको वो क्रेज़ है या आपकी वो प्रायोरिटी है तो आप वो खुशी जो इंडिया में नहीं देख पाओगे जो आपको वहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल ट्रू और वो बहुत जल्दी आ जाते मेरे काफ़ी दोस्तों ने अभी तक कार भी ले ली है mm. तो वो है बट मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस वॉज वेरी डिफरेंट एग्जैक्टली तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से लाइक मुझे अगर वेदर में बहुत ठंडी है और मुझे वहाँ पे रहना है मुझे खुशी नहीं मिलेगी मेरी बहुत बेसिक चीज़ें होती है लाइक वो काफ़ी ऐसे लोगों को लगे स्टूपिड है बट अगर मुझे वो हैप्पीनेस फील नहीं होता है तो आई डोंट डू इट इट्स लाइक दैट तो इसलिए मेरा डिसीजन क्लियर था कि मुझे तो इंडिया में ही रहना है तो स्टार्टअप की दुनिया को लेकर इटेक के अलावा कौन से सेक्टर्स में हाइप चल रही है आजकल झलक रावल जी आई थिंक प्रोडक्ट सेक्टर में काफ़ी हाइप है स्पेशली ई कॉमर्स सेक्टर में भी काफ़ी हाइप है hmm. uh, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है तो लोग यू you यूनो know, सिर्फ डिलीवरी करना चाह रहे हैं रादर देन ऑफलाइन बिजनेसिस बिसाइड्स दैट ऑफ कोर्स कंटेंट भी एक काफ़ी अच्छा सेक्टर है प्रोडक्शन मतलब मीडिया बेस्ड सेक्टर जी sector. जो वीसी की दुनिया है इंडियन इन्वेस्टर्स की दुनिया है, वो कंटेंट की दुनिया को किस तौर से देखती है सो ओके सो ऑनेस्टली

फटाफट फड़ ग्रो करो एक्सपेंशन के लिए में स्पीड ला सकते हो स्पीड ला सकते हो सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जियो ने किया जियो ने अगर पहले छह महीने के लिए आपको फ्री में दिया है सिम कार्ड वो भी इतने करोड़ों लोगों के लिए तो ऑफकोर्स वो एक एक्सपेंस हुआ उनका बट वो एक्सपेंस कहाँ से आया तो उनके जो वीसीज थे वहां से उनका वो एक्सपेंस आया है जिससे उन्होंने ये यूजर बेस क्रिएट किया ये यूजर बेस को वो लोग इस्तेमाल करेंगे आगे एज अ कस्टमर अभी छह महीने में वो उन्होंने जितने यूजर्स एक्वायर किए वो पर यूज़र का उनका एक कॉस्ट हो गया वो हो जाता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो ये उनका एक्स अमाउंट ऑफ प्लानिंग रहता है जब मतलब उन्होंने इतने रुपए खर्च किए हैं एक कस्टमर को लाने के लिए अपने पास हाँ एक्जैक्टली exactly. और फिर वो कस्टमर का रिटेंशन कॉस्ट रहता है कि वो कस्टमर वही चीज़ को इस्तेमाल कितने किया मतलब सिक्सटी परसेंट लोगों ने शायद वो इस्तेमाल किया और चालीस परसेंट लोगों ने वो इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो कितना कन्वर्जन हुआ तो उनका एक कैलकुलेशन रहता है उसके बेसिस पे उनको विद नो लाइक बहुत कम समय में शायद एक दो साल में जियो राइट बिकॉज उन्होंने काफी लुक्रेटिव स्कीम बनाई थी वो hmm. तो ऐसे काफी सारे स्टार्टअप है जैसे कि ओला कैब्स मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से आपको अलग स्टार्टअप्स को अलग टाइम पे वी लेना चाहिए okay. सो so, जैसे ओला कैब्स है तो वो उन्होंने उस समय में सर्विस स्टार्ट की थी जहाँ पे मार्केट रेडी नहीं था जहाँ पे लोग अभी भी रिक्शा और बस में जा रहे थे और टैक्सी शहर टैक्सी वो सब कर रहे थे तो उन्हें कोई महंगी ए टैक्सी के लिए पैसे नहीं खरीदने थे hmm. नहीं खर्चने थे तो ऐसे समय में ओला ने क्या किया पैसे पंप किए मतलब उन्होंने अपने ड्राइवर को ज्यादा बेनिफिट्स दिए थोड़ा सस्ता दिया कस्टमर को वैसे देखिए थोड़ा लॉस में रन करके उन्होंने पहले वो आदत वो मार्केट डेवलप किया कि अगर आपको कैब चाहिए आप ओला बुक करोगे हाँ वो मार्केट डेवलप होने के बाद उन्होंने फिर ज्यादा चार्ज करना चालू किया दूसरे स्कीम्स चालू किए सो वो तो आम, basically uh, VCs देखते क्या एक स्टार्टअप में स्केलेबिलिटी देखते हैं स्केलेबिलिटी इज अ फैक्टर ऑफ कोर्स मतलब आप आप समझा सकते हो स्केलेबिलिटी क्या होती है और और uh, अलग अलग फैक्टर्स के बारे में भी थोड़ी बात अब कर सकते हो हाँ कि हर बिजनेस में स्केलेबिलिटी मतलब वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है हुँ. कितने ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक होती है स्केलेबिलिटी Uh, ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो शायद स्केलेबल नहीं है बट उनके कुछ डेटा पॉइंट्स काफ़ी स्ट्रांग है जैसे कि टिकटॉक hmm. मतलब वो भी स्केलेबल है इन अ वे बट वो एक्चुअली उनका वैल्यूएशन ज्यादा है ऑन द डेटा फ्रंट नॉट वो यूजर्स uh, की डेटा कलेक्ट करते हैं जैसे हर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है हाँ इन अ वे साथ में प्लस वो एक फ्री ऐप है तो मतलब आप प्रोडक्ट हो ए ना वे हुँ, 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 तो लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट पर खर्चा नहीं किया और हाँ, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप ही एक्चुअली खुद प्रोडक्ट खुद प्रोडक्ट हो उस चीज चीज़ के तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं सो so वी काफ़ी चीजें देखते हैं जरूरी नहीं कि सब वी सी सेम ही चीज़ देखे बट कुछ बेसिक चीज़ हो जाती है सेक्टर दूसरा हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी एंड टाइमिंग तीसरा हो जाता है स्केलेबिलिटी फोर्थ हो जाता है कि अच्छा करंट स्टेज क्या है वो स्टार्टअप का

सुन तुझे मार्केटिंग आता है मुझे टेक आता है चल ना अपन स्टार्टअप करते hmm. हैं वो शायद वर्कआउट करे शायद ना करे बट टीम बिल्डिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेचर पे बेस्ड होता है वो कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड होता है अगर हमारी सोच सिमिलर नहीं है तो हमें काफ़ी हिंडरेंसेस आएंगे मुझे जो तरीका सही लगेगा वो आपको सही नहीं लगेगा तो वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सिर्फ जब तक डिस्कशन के लिए वो इट इज़ हेल्दी बट जब वो uh, बैटल्स में हो जाए ईगो बैटल्स या वो सब कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अनहेल्दी हो जाता है hmm. आप एक यंग ऑनटरप्रेनोर को क्या सिखाना चाहोगे अब आप सिर्फ पच्चीस साल के हो फिर भी पर आपने बहुत कुछ सीखा है अपने करियर के चार तीन चार सालों में तो आप यंग ऑन्टरप्रेनोर को क्या कहना चाहोगे या एक कॉलेज के स्टूडेंट को जिसको ऑन्टरप्रेनोर बनना है उन्हें क्या सीखाना चाहोगे आई uh, थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि मैं कब शुरुआत करूँ और मुझे लगता है लोगों को तब शुरुआत करनी चाहिए जब तुम्हारे अंदर वो चीज़ कुछ बनाने की बर्निंग हो इचिंग नहीं hmm. इचिंग क्या होता है कि तुम्हें बस फील हुआ कि हाँ आज करना है करते हैं कल हुआ नहीं करना है hmm. वो इचिंग होता है बर्निंग मतलब तुम कुछ सोच ही नहीं पाते हो तुम सिर्फ रात दिन रात वही चीज़ सोच रहे हो वो जब तक तुमने नहीं हो तब तक चलेगा कुछ वक्त ले लो जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कर रहे इसलिए तुम्हें करना चाहिए ऑल्सो दूसरी एक सच्चाई बता दो ऑन्टरप्रिनरशिप इतना ग्लैमरस नहीं है वो काफी टैक्सिंग है वो वर्ल्डिप के कुछ कड़वे सच बता दो Uh, पहला एक सच है कि यार तुम्हें काफ़ी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो तुम्हें नहीं पसंद जैसे कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सोशल मीडिया वीडियो प्रोडक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था uh, मुझे पता भी नहीं था मैं शायद क्रिएटिव चीज़ कर पाऊंगी uh, वो डायरेक्शन इसलिए हुआ बिकॉज और कोई नहीं था करने के लिए हाँ साथ और हाँ, हाँ और विराज ने बोला कि मैं करूँगा बट उसने नहीं किया एंड क्रिएटिवली मुझे नहीं पता था कि आई हैड अ क्रिएटिव साइड मतलब वीडियो प्रोडक्शन तो सच बताओ कैसे शुरुआत हुई कि मुझे एक कॉल आया uh, मतलब मेरे एक ब्रांड के फाउंडर के साथ ऐसे ही कि जल कुछ अलग करना है कुछ करते हैं तो एड्स के लिए हमने कुछ पिच इन किए जो हमारे टीम से थे और मैं इतना प्रोएक्टिव नहीं थी बिकॉज मुझे लगता था मेरा काम नेगोशिएशन और बिजनेस है क्रिएटिव इज़ नॉट माई जोन बट उन्होंने सारे आइडियाज़ रिजेक्ट कर दिए और वो प्रोसेस काफ़ी लंबा चला hmm. फिर उन्होंने बोला छोड़ो ये नहीं कुछ और करते करके मैंने बोला एक और दिन दे दीजिए शायद कुछ आ जाए और अभी ये लास्ट डे था मेरे पास कुछ आइडियाज़ नहीं थे और रात को नौ बजे बैठ के मैंने ये सोचा कि ये मेरा बिजनेस होता तो मैं किस तरह से ऐड करती और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे और वो उनके बहुत पसंद आए और उस वो एक्चुअल में वैसे ऐड चालू हुआ और मुझे पता भी नहीं चला कि वेन आई गॉट इन क्रिएटिविटी बिकॉज मैंने खुद को काफ़ी एनालिटिकल पर्सन समझा है बट दिस वॉज द हिडन साइड ऑफ मी विच आई हैड नो आइडिया स्टार्टअप के थ्रू आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है मतलब आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीखने लगते हो हाँ मतलब आपको वो बिगर विजन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका डे टू डे काम क्या ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं पसंद या पसंद ये आपके लिए मैटर नहीं करता hmm. तो पहला तो ये है कि आप ऐसे काम करोगे जो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद हो और वो ऐसे नहीं कि एक दो दिन के लिए आप काफ़ी लंबे समय के लिए करते रहोगे आ, दूसरा चीज़ होता है कि आपको शायद लोगों के काफ़ी ओपिनियंस भी सुनने पड़ेंगे क्योंकि Feedback. नेगेटिव फीडबैक हाँ, भी सुनने पड़ेंगे नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं हर तरीके के फीडबैक आपको सुनने पड़ेंगे और उसे ये आप कोफाउंडर्स की बात कर रहे हो या सोसाइटी की बात कर रहे हो नहीं नहीं सोसाइटी uh, की कोफाउंडर्स अच्छे हैं मेरे कोफाउंडर्स अच्छे हैं बट सोसाइटी की मेनली बात कर रही हो कि uh, काफी चीजें सिर्फ सोसाइटी नहीं सॉरी टीम सोसाइटी uh, काफ़ी चीज़ों में आपको बैक एंड फोर्थ होगा लोग को लगता है कि वो काफ़ी ईजी है बट वैसा नहीं है तीसरा अगर आपको uh, टैक्सेशन फाइनेंस और वो सब नहीं समझना है या फिर आपको एक्चुअल में शायद आपका खुद का नेचर ऐसा है कि आपको चीजें यू नो सॉर्टेड पसंद है आप थोड़े चिल इंसान हो किसकी बात बात कर <laughs> 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 मेरी मेरी बात yes! कर <laughs> तो आपको एक्चुअली आप स्टार्टअप मत करो मैं एक्चुअली आपकी बात नहीं करूँ बट मैं काफी इंडियन वो लोग की बात करूँ जिनको मतलब मुझे ऐसा लगता है वो लोग काफी स्मार्ट है वो एक्सेल करेगी ज्यादा अगर वो जॉब में रहे तो क्योंकि स्टार्टअप में काफी

और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उन उन्हों सब ने यही किया पहले में काम कर दिया छोटे चला के, फिर स्टार्टअप्स में एंट्री कर दिया आप कोई बड़े बिजनेस में भी काम करोगे तो आपको काफ़ी एक अलग लेवल का प्रस्पेक्टिव मिलेगा कि कौन से लेवल पर आप काम कर सकते हो जैसे कि कुछ बहुत ही सक्सेसफुल कंपनीज के फाउंडर्स खुद एक्स फ्लिपकार्ट यू नो एक्स स्नैपडील या ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में काम किए हुए हैं वो लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके हाँ. लिए आपने बहुत सारे टीम्स को लीड किया अलग अलग टीम्स को लीड किया अलग अलग सेक्टर्स में काम किया तो आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं होती है वो लड़कों से क्या सीख सकते हैं और लड़के महिलाओं से क्या सीख सकते हैं मेरे को पता कि हर इंसान अलग होता है बट अगर आप जनरल बातें करोगे तब मेरे हिसाब से मैं सच बताऊँ ना मैं

Uh, मैंने मेरी जितनी भी हम लोग के वहाँ पे जितनी भी महिलाएं काम करती है उन सबके साथ एक वीडियो कॉल किया था एंड उनको बताया था अबाउट सम पैराडाइम शिफ्ट जो मेरी लाइफ में आए अबाउट द वे आई यूज़ टू व्यू माई करियर सो मैंने वो उनको भी बताया एंड इनफैक्ट उन उसमें उन उनमें से काफ़ी लोगों ने वो बुक को ऑर्डर भी की और वो लोग ने भी पढ़ी एंड कहीं पे वो लोग भी वो कनेक्ट uh, समझ पाए वो बुक आपकी लाइफ में तभी रेलेवेंस कर पाएगी जब आप एक uh, फीमेल लीडरशिप पोजिशन पे हो या फिर आपने वर्किंग एनवायरमेंट में एंट्री कर ली लिया सो hmm. ओके so, okay. जब आपने मंगे में शुरुआत की थी आई हाँ. थिंक आप इकलौती लड़की थी हाँ. चार लॉन्डो के साथ <laughs> तो आ, तब आ, आपको क्या लगा इस कंपनी के बारे में आपने इस कंपनी को चूज क्यों किया आ, तो मैं सच बताऊ ना मुझे ये बात पे काफी भरोसा था मतलब आपको मिलने के बाद कि मतलब क्योंकि आप और विराज कॉलेज के थे मतलब मैं आपको जानती नहीं थी बट मुझे समबोट uh, वो लगा कि अच्छा सेम कॉलेज के हो तो थोड़ा क्लासी पीपल होगा क्लासी मतलब यू you नो know, कुछ कुछ लड़के like हाँ कि वाइब मैच होगी थोड़े अच्छे लोग ऐसे एथिकल uh, हो गए hmm. वो वो एक चीज थी मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसलिए uh, मेरे लिए इट इट वॉज अ पॉजिटिव थिंग वो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग था आपके लिए हाँ कि लोग अच्छे होने चाहिए एथिकल होने चाहिए वरना मतलब दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मी पर्सनली दूसरा आई थिंक मुझे ये स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि मेल सारे हैं और फीमेल नहीं है मुझे याद है कुछ

आई फील मतलब कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं आई थिंक कि वो लोग ने भी स्किल सेट थे इसलिए डेफिनेटली पर आ, आपके आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई जैसे कि हमारी स्केलिंग अब आपके आने के बाद हाँ मुझे याद है जब मैंने वो पहला कुछ इंटरव्यू ड्राइव रखा था तो मुझे ना काफी लाइक मैंने कुछ 600 सौ सीवी में से कुछ 60 लोग को बुलाया था एंड यू थॉट कि ये क्या है क्योंकि बाहर सब लोग बैठे हुए थे इतने सारे लोग आ गए थे कि uh, हम लोग दो के हाँ और हम लोग दो रूम में इंटरव्यूज ले रहे थे कंटिन्यूसली सैटरडे को रोडीज ऑडिशन चल रहे थे <laughs> हमारे ऑफिस में मुझे याद है <laughs> तो आई थिंक uh, हाँ और मतलब आई फील कि मैं काफ़ी पिक्की हूँ क्योंकि मेरे लिए अच्छे लोगों को चूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको क्यों लगता है कि आ, uh, कंपनी में चीज़ें क्यों चली है वाई हैव थिंग्स वर्कड आउट आई थिंक मैनी फैक्टर्स वन जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं मतलब जैसे कि आप भी काम कर रहे हो तो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी हंड्रेड परसेंट यू नो काफ़ी गिव इन करके करें ऐसा नहीं है कि हाँ बस लोगों को बताने के लिए कि मेरे uh, कि मेरे पास कोई जॉब है ऐसे कोई लोग नहीं है जो भी जितने भी लोग हैं वो बहुत पैशन एडेट वाट दे डू इवन एडिटिंग uh, टीम है जैसे कि या फिर uh, हमारी ब्रांड स्ट्रैटी की टीम या जो भी है इनफैक्ट कुछ ऐसी टीम मेट्स है जो बहुत ही क्रिएटिव hmm. मतलब थिंक इन मल्टीपल जो शायद मैं भी नहीं सोच पाती तो आई फील कि क्योंकि वो डायरेक्शन मैंने उनको नहीं बताया कि आप करो इनफैक्ट सैटरडे संडेज आर ऑफिशियली ऑफ बट टीम इंटरनली कॉल्स करके काम करती है बिकॉज वो खुद बहुत ड्रिविन है तो आई थिंक वो एक मेंटालिटी शिफ्ट बहुत इंपैक्ट hmm. करता है मतलब कंपनी के शुरू होने के तीन साल बाद भी Uh, हम सब गलतियाँ करते हैं बट वो पैशन ड्राइव और स्पीड और एग्जीक्यूशन की वजह से ही मुझे लगता है कि आज कंपनी सक्सेसफुल बनी ट्रू एंड ऑल्सो आई फील की समवेयर फाउंडर्स एंड दी कोर मेंबर्स का भी फेब्रिकेशन हेल्प क्योंकि hmm. जो उनकी मेंटेलिटी होती है तुम हमेशा वैसी अपनी मेंटेलिटी के लोग को या तो अट्रैक्ट करोगे या तो उनको इवेंशुअली uh, उनके साथ रहोगे hmm, hmm, hmm. तो आई थिंक वो फैब्रिकेशन काफ़ी जो आपकी कोर मेंबर्स की सिलेक्शन होती है बेसिकली तो झलक रावल अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 25 सालों में आपने कोई तीन सबसे ज़रूरी लेसन्स क्या सीखे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई आपके करियर में इतनी ग्रोथ आई है हाँ. तो आप वो तीन लेसन तो आप कौन से तीन लेसन शेयर करना चाहोगे पहला कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो बिना झिझक के वो बताओ आपको कोई आप सिर्फ बैठे रहने वाले ऐसे और कोई आके आपको मदद करेगा वैसा नहीं होने वाला है Uh, दूसरा आप uh, किसी के भी क्रिटिसिज्म ग्रज या कोई भी चीज़ को अपने पे मत लो और ज़्यादा इम्पैक्ट मत होने दो अपने दिमाग में जो बड़ा गोल है उस ख़ुद को एक बड़े गोल से टाई करके रखो क्योंकि लाइफ में इतने सारे हिंडरेंसेज आएंगे अगर आपके पास दिमाग में वो गोल है तो चीज़ें काफ़ी वो सारी चीज़ें इतनी छोटी लगने लगेगी कि वो इरेलीवेंट हो जाएगी और uh, तीसरा कि एक्सपेरिमेंट uh, करो कुछ यू you नो know, कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको डर लगता हो करने से आप अभी भी एक्सपेरिमेंट करते हो हाँ मतलब वो तो चल ही रहा है okay, आपको रिवील नहीं करना है ठीक <laughs> है तो दिस वॉज झलक रावल और सुपर स्टार सी ओ थैंक यू झलक आपसे हर कॉन्वर्सेशन हर जब मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन करता हूँ मैं कुछ ना कुछ सीख के निकलता हूँ तो डेफिनेटली आप पॉडकास्ट पर लौट के आएंगे हमारे हम, ऑडियंस को बहुत कुछ सिखाएंगे अभी के लिए ऑन द रन शो हिंदी आपके हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर अभी के लिए थैंक यू so जी थैंक यू रणवीर सिखाते रहो आ, हमें हेल्प करते रहो लाइफ में द बेस्ट को थैंक्स रणवीर